नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजीएनए न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं दिन भर की खास खबरों की तरफ। आज दोपहर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पहुंचे गुना, जिनके आने की तैयारियां पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगभग पूरी कर ली थीं। इसी के साथ तकरीबन 350 बसों से कार्यकर्ता गुना बुलाए गए, जिसके बाद अमित शाह का रोड शो शुरू हुआ, जिसको अभूतपूर्व बनाने के लिए जिला भाजपा ने काफी मशक्कत की। वहीं पुलिस भी सक्रिय भूमिका में देखी गई। डीएसपी विजय भदौरिया के अनुसार रोड शो में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ न हो, इसके लिए 400 से अधिक पुलिसकर्मी ड्यूटी पर लगाए गए। वहीं कई पुलिसकर्मियों को बाहर से भी बुलवाया गया। मौके की नजाकत को समझते हुए आमजन को कोई तकलीफ न हो, इसलिए यातायात के भी पुख्ता इंतजाम पुलिस प्रशासन एवं यातायात विभाग ने किए। वहीं एक बात जो रोड शो को लेकर समझ में नहीं आई, भाई ये कि आचार संहिता लग चुकी है तो क्यों पूरे शहर को बैनर और पोस्टरों से पाट दिया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के झंडे भी भरपूर मात्रा में देखे गए। आपको बता दें कि अमित शाह के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह एवं कई अन्य नेता गुना पहुंचे। यातायात व्यवस्था में लगभग 300 अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर लगे हुए हैं। 5 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। आम जनता को कम से कम परेशान करते हुए यातायात व्यवस्था का जो है हमारा लक्ष्य है। अच्छा सर, ये जो मेन रास्ते पे जो रोड शो है, इसके अलावा कोई अल्टरनेट लोकल लोगों के लिए रास्ता निकाला हो उस समय में? जैसे डाइवर्टर चलता रहेगा, आम जनता परेशानी नहीं होगी। गुना में रहा बसों का टूटा, यात्री हुए परेशान। अमित शाह के दौरे को देखते हुए गांव से बुलाने के लिए बसें लगाई गईं, जिसके कारण आज गुना में बसों का टूटा रहा, जिसके कारण यात्री परेशान हुए। ज्यादा परेशानियां लंबी दूरी के यात्रियों को हुई। गांव से शहर आने वाले यात्रियों को बस नहीं मिली। वहीं इसका फायदा ऑटो चालक व जननी एक्सप्रेस ने खूब उठाया। आज देखा गया कि जननी एक्सप्रेस प्रसूताओं को लाने की जगह सवारियां ढोने में लगी थी। ये नजारा मऊगढ़ा के पास हमारे कैमरे में कैद हुआ, जिसमें जननी एक्सप्रेस चालक सवारियों को ढो रहा था। वहीं उसने हमारे कैमरे को देखा तो उसने सवारियां उतार दी। यह नजारा गुना जिले के मऊगढ़ा से लेकर बमोली क्षेत्र में आम है। भैया सवारी क्यों बिठाते हो आप जननी एक्सप्रेस में? सवारी तो बिठाना है भैया। तो क्या है ये? तो उतरेंगे बीच में ले जा रहे हैं। हाँ तो ये सवारी है ना? सवारी नहीं ले जा रहे हैं, सवारी रूप में ले जा रहे हैं। तो कैसे रूप में ले जा रहे हैं? घर व्यवहारिक रूप में ले जा रहे हैं। अच्छा, कहाँ ले जा रहे हैं? घर व्यवहारिक रूप जिस वहां उतरेंगे। अच्छा, तो सर आप देख सकते हैं यहाँ जननी एक्सप्रेस में ये चालक महोदय जी जो हैं, ये सवारी बिठा रहे हैं। जा रहा था भैया ने बोला कि मैं व्यक्तिगत घरेलू तौर पे बिठाल के ले जा रहा हूँ, लेकिन हमारी देखने के बाद अब ये सवारी गाड़ी में से उतार रहे हैं। ये गैर कानूनी तरीका है, जननी एक्सप्रेस में सवारी नहीं बिठाली जाती है। ये देखिए आप, तो आप ये जो जननी एक्सप्रेस में अस्पताल की गाड़ी में आप बैठ के जा रही थी, कहाँ पे जा रही थी जी? फतेहगढ़ जा रहे थे आप। कितने पैसे बोले थे ड्राइवर ने? अच्छा, जो किराया लगता वो ही लेता ना। तो आप लोग बोलते नहीं हो कि ये ऐसा नहीं बिठालना चाहिए? बस नहीं आ रही इसलिए। भारत
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज अपने गुना दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने भव्य रोड शो का आयोजन किया। हालांकि आचार संहिता के चलते उन्हें शहर में सभा की अनुमति नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं में निराशा भी देखी गई। रोड शो के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह सहित कई दिग्गज नेता अमित शाह के साथ मौजूद रहे। अगर देखा जाए तो ये रोड शो भाजपा की ताकत को दर्शा रहा था, लेकिन अगर पृष्ठभूमि पर नजर दौड़ाई जाए तो पता चलता है कि जितनी भी भीड़ रोड शो में देखी गई उसमें आधे से ज्यादा गुना विधानसभा क्षेत्र के बाहर के ग्रामीण बसों में भर भर कर गुना ला गए थे, ताकि रोड शो में भीड़ नजर आ सके। विभिन्न विधानसभाओं से भाजपा के टिकट के उम्मीदवार नेतागण अपने अपने समर्थकों के साथ जगह जगह अमित शाह का स्वागत करते देखे गए एवं अपनी ओर से आकर्षित करते हुए नजर आए। कुछ भी हो, लेकिन आज अमित शाह के गुना दौरे ने गुना जिले की चारों विधानसभाओं में चुनाव का संकनाद तो कर ही दिया। अब देखने लायक होगा कि इस दौरे के बाद कांग्रेस अपनी क्या रणनीति बनाती है। आइए नजर डालते हैं अमित शाह के गुना रोड शो की कुछ झलकियों पर। नशे में चूर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी एवं नेता इन दिनों कुछ भी कर गुजरते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया आज गुना में, जब संपत्ति विरूपण मामले में कार्रवाई के दौरान भारतीय जनता पार्टी के मंत्री नाराज होकर प्रशासनिक अधिकारियों को गालियां देने लगे। बता दें कि आचार संहिता लगने के बाद आज अमित शाह का रोड शो गुना में होना था, जिसके चलते सभी झंडों एवं बैनरों को हटाया जा रहा था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अनिल जैन अपने वरिष्ठ नेतृत्व को फोन लगाते हुए अधिकारियों को खरी खोटी सुना रहे थे। वहीं उन्होंने यह तक बोल डाला कि इन अधिकारियों का क्या चुनाव के बाद यहाँ नहीं रहना, इन्हें तब देख लेंगे। समझ से परे है कि एक तरफ तो संस्कारों वाली पार्टी अपने आप को कहती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन कहाँ है उसके संस्कार? क्या सत्ता के मद में सब कुछ भूल गए हैं नेता? अब देखने लायक होगा कि अब जनता अपना रुख चुनाव में उनको क्या बताती है। पालिका से किराए पर मिली, किराए का घर में अपने घर में कोई किराए में रहना, मैं पूरी तरह से घर में नहीं है। क्या बात कर रहे हो? ऐसे थोड़ी ना होता है। हां, आपके पास घर देने का है, वो भी आ जाएंगे। पालिका
महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव के तहत आयोजित किया गया बच्चों का रंगारंग कार्यक्रम, जिसमें बच्चों ने डांस कंपटीशन में भाग लिया। वहीं बच्चों को उत्साहवर्धन करने के लिए बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने एक बार मंच से कहा था कि कोई माई का लाल आरक्षण को खत्म नहीं कर सकता, जिसके जवाब में काफी हंगामा एवं विरोध प्रदर्शन भी हुआ। वहीं आज अमित शाह की रैली थी, जिसमें कार्यकर्ताओं को लेकर आने के लिए बसों को अधिग्रहित किया गया था। वहीं बमोरी के गांव में बस को अंदर नहीं घुसने दिए गया। इसके साथ ही ग्रामीणों ने उस पर पोस्टर लगा दिया कि हम वही माई के लाल हैं। इसके साथ ही बस एवं उसके ड्राइवर को गाँव के बाहर ही खड़ा कर दिया गया। डीजीएन न्यूज में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।